वेलकम टू माय चैनल लर्न जीके जीएस विद सदफ। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट ब्रांचेस टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए विभिन्न शाखाएं। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डिफरेंट ब्रांचेस। ठीक है, फर्स्ट है हमारी हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारी हाइड्रोपोनिक्स, स्टडी ऑफ रेजिंग ऑफ प्लांट्स ऑन वाटर विदाउट द हेल्प ऑफ सॉइल। इसमें क्या होता है हाइड्रोपोनिक्स में, हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, वाटर में पौधे उगाने की जो टेक्निक्स होती है उसको हम स्टडी करते हैं हाइड्रोपोनिक्स में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मनी प्लांट, उसको हम लोग बीकर में पानी भर दें और मनी प्लांट का छोटा सा पौधा उसमें डाल दें तो मनी प्लांट बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इस टेक्निक्स को क्या बोलते हैं, विदाउट सॉइल, मिट्टी के बिना। ठीक है, जो पौधे उग जाते हैं पानी में उस टेक्निक्स को बोलते हैं, उसकी स्टडी को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है, जो हाइड्रो वर्ल्ड है वो किससे रिलेटेड होता है, वाटर से। तो आप समझ जाना वाटर से रिलेटेड होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो हाइड्रोडायनेमिक्स है क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फोर्सेस एग्जर्टेड बाय लिक्विड्स। आपने देखा होगा कोई जब भरी बाल्टी होती है उसमें हम कोई बॉल डिप करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा जो वाटर है एक फोर्स लगाता है बॉल को बाहर की तरफ फेंकता है। ठीक है, तो यही स्टडी हम करते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स में। पिक में आप देख रहे हैं पुल, ये एक ब्रिज बनाया जा रहा है, ब्रिज के ये जो है पिलर डाले जा रहे हैं। अभी जो पिलर्स होते हैं वो इसी हिसाब से सेट किया जाता है कि वाटर जो वहाँ पे बह रहा है वो कितना फोर्स लगाएगा, उसी हिसाब से जो पुल है वो डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोडायनेमिक्स हमारा ये हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा हीलियोथेरेपी, यूज ऑफ सन बाथ्स हीलिंग डिसीजेस। कुछ ऐसे डिसीजेस होती हैं उनको ठीक करने के लिए सन की रोशनी की ज़रूरत होती है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हीलियोथेरेपी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोग्राफी। फिर आ गया हाइड्रो, तो वाटर से रिलेटेड होगा। हाइड्रोग्राफी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। अब वाटर बॉडीज की साइंटिफिक जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं हाइड्रोग्राफी। मतलब जैसे कोई आप देख रहे हैं वाटर बॉडीज हमारी कौन सी होगी, रिवर, कैनल, ठीक है, सी, तो इन सब ये जो वाटर बॉडीज हैं उनके अंदर कितनी जमीन कितनी गहराई पर है, और जैसे आप लोग देख रहे हैं कोई जमीन कितनी गहराई पर है, पानी कैसा है वहाँ का, तो ये सब चीज़ें क्या आ जाती हैं हमारे साइंटिफिक स्टडी ऑफ द वाटर बॉडीज के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रो एकॉस्टिक्स। हाइड्रो हमारा किससे रिलेटेड हो गया, पानी से। एकॉस्टिक स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ साउंड इन वाटर। ठीक है, पानी में ध्वनि का अध्ययन और अनुप्रयोग। मतलब जैसे कि ये जहाज है, ये क्या कर रहा है, सोनार डिवाइस से अल्ट्रासाउंड सेंड कर रहा है वाटर में, उससे क्या पता चलेगा कि जो हमारी जमीन है वो कितने नीचे है, और क्या देखेगा, जैसे आप दूसरे देश की सब मरीन होती हैं उनको भी डिटेक्ट कर लेते हैं इन साउंड वेव्स के जरिए, पानी में साउंड वेव्स सेंड करते हैं, उससे पता चलता है कि कोई सब मरीन अंदर है या फिर कोई आइस बर्ग है, तो ऐसे ये सब चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, हाइड्रो कॉस्टिक की स्टडी में, ठीक है, ये सब चीज़ें हम फाइंड करते हैं पानी के अंदर साउंड सेंड करके। ठीक है, तो हमारा हाइड्रोकॉस्टिक रिलेटेड हो गया पानी में ध्वनि के अध्ययन से। नेक्स्ट है हमारा मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम दियर ओर्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ एलॉयज। मेटलर्जी क्या करती है, जो हमारे धरती पर जो ओर्स मिलती हैं उनके एक्सट्रैक्शन से, उसके उत्खनन से रिलेटेड है, और क्या है कि मतलब जो एलॉयज है वो कैसे प्रिपेयर की जाएंगी। अब वो जो एलॉयज होती हैं, जो धातुएं मिलती हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलती, वो किसी ना किसी चीज़ में मिली होती हैं, तो उनको अलग करना और कैसे निकालना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं हमारे मेटलर्जी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा मीटरोलॉजी, जो किससे रिलेटेड होता है, साइंस ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट्स। जो ये देखिए आप पिक में, जो वेदर होता है, मौसम और जलवायु की जो विज्ञान होती है उसको बोलते हैं मीटरोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा माइकोलॉजी, ये किससे रिलेटेड है, स्टडी ऑफ फंगी, कवक का अध्ययन। ठीक है, फंगी का जो कवक का अध्ययन होता है उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा न्यूमिस्मैटिक्स, ये किससे रिलेटेड, स्टडी ऑफ कॉइन्स और कॉइनेज, सिक्कों का अध्ययन करते हैं हम इसमें और पता लगाते हैं ये किस एज के हैं, तो ये सब हमारे किस में आ जाती है, न्यूमिस्मैटिक्स में। ठीक है, देख रहे हैं पिक में पुराने सिक्के आपको दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्निथोलॉजी, ये किससे रिलेटेड है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। अब चिड़ियों की जो साइंटिफिक स्टडी है उससे रिलेटेड है, कैसे भाई ये जो चिड़िया है किस प्रजाति की है, इनकी जो एज है वो कितनी होगी, और इन ये लुप्त क्यों हो रहे हैं, तो ये सब चीजें देखते हैं हम लोग ऑर्निथोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पैथोलॉजी, पैथोलॉजी रिलेटेड है साइंस ऑफ बॉडिली डिजीज, जो हमारे शारीरिक रोग होते हैं उनको हम डिस्कस उनके बारे में जानते हैं हम लोग पैथोलॉजी में, ठीक है। तभी आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल में लिखा रहता है पैथोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पैलियोबॉटनी, ये किससे रिलेटेड, साइंस ऑफ द फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, याद रखिए फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, जो हमारे पौधों के जीवाश्म होते हैं उसके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं पैलियो बॉटनी। आप लोग सुनते होंगे न्यूज में कि यहाँ पर ये जीवाश्म में पाया गया पौधे का, तो इस टाइप के ये आ जाता है हमारा पैलियो बॉटनी में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिजियोग्राफी, ये किससे रिलेटेड, द स्टडी ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, दियर कॉजेस एंड दियर रिलेशन टू वन अनदर। अब फिजिकल फीचर्स हमारे अर्थ के क्या हो गए, जैसे हमारे जो कॉन्टिनेंट है वो आप लोग देख रहे हैं चेंज होते जाते हैं, ठीक है, और जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो माउंटेन बढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। कोई कोई जो आइलैंड है वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं हमारे फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ में, तो उनके कॉजेस किस कारण से हो रहे हैं, यही सब चीज़ें हम देखते हैं फिजियोग्राफी में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजी, इसमें क्या होता है, साइंस ऑफ डीलिंग विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, जो ह्यूमन माइंड से जो विज्ञान जो अध्ययन करते हैं हम लोग ह्यूमन माइंड का, उसको बोलते हैं साइकोलॉजी, ठीक है। ऐसे मनुष्य जिनका मानसिक मानसिक संतुलन खराब होता है हम लोग बोल देते हैं ये साइको है, ठीक है। तो मन के अध्ययन करने को क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पिसीकल्चर, ये क्या है, ये क्या है, आर्ट ऑफ रियरिंग फिश, मछली पालन की कला को बोलते हैं पिसीकल्चर। ये देखिए कई कई तरीके से मछली पाली जाती है, ठीक है, कहीं तालाब में। नेक्स्ट है हमारा रेडियोलॉजी, ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट यूजेस इमेजिंग टेक्नोलॉजी टू डायग्नोज एंड ट्रीट डिजीजेस, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, जैसे कि अगर हमारे माइंड में कोई खराबी हो गई तो हम लोग क्या करवाने जाते हैं, सिटी स्कैन। तो सिटी स्कैन के थ्रू क्या हो जाता है, हमारे माइंड माइंड की इमेज फाइंड हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा रोग होता है उसको हम लोग डायग्नोज कर पाते हैं, उसी हिसाब से ट्रीट करने लगते हैं, ठीक है। तो ये होता है रेडियोलॉजी में, तो वो क्या करता है, इमेजिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये हमारा रेडियोलॉजी। और भी एग्जाम्पल हैं जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, तो ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, रेडियोलॉजी में, क्या करते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स की इमेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीस्मोलॉजी, ये क्या है, सीस्मोलॉजी हमारा किससे रिलेटेड है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं हम सीस्मोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेरिकल्चर, स्टडी ऑफ सिल्क वॉर्म ब्रीडिंग, जो हमारा सिल्क वॉर्म होता है उसकी स्टडी करते हैं कि भाई इसको कैसे हमें बढ़ाना है, क्योंकि इससे क्या रेशम फाइन होता है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो यही स्टडी की जाती है सेरिकल्चर में। नेक्स्ट है हमारा टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक का मतलब ही जहर होता है, द साइंस दैट ट्रीट द ओरिजिन नेचर प्रॉपर्टीज एंड इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन्स ऑफ दियर डिटेक्शन इन द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एंड ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज ड्यू टू पॉइजनिंग। ये क्या टॉक्सिकोलॉजी में क्या होता है कि भाई जो जहर है वो उसका ओरिजिन क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है, कैसे प्रॉपर्टीज है, वो कितना ज़्यादा जहरीला है, कितना ज़्यादा हमारे बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करेगा, कुछ कुछ जहर होते हैं इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं, और उसी हिसाब से वो हमारे किन बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट कर रहा है और कैसे हमें उनका ट्रीटमेंट करना है, तो ये सब किया जाता है टॉक्सिकोलॉजी में, ठीक है। तो यहीं से हमारी वीडियो एंड होती है, आई होप आपको पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।